नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर। आप सभी को गुड इवनिंग। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं। आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 34 क्लास है और यह जो हमारी क्लास है आज कुछ खास है। ये खास इस वजह से है क्योंकि आज हमने इंडियन ज्योग्राफी, जैसे कि आपको पता है इससे पहले 33 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, हमने इंडियन ज्योग्राफी को ऑलमोस्ट बहुत बड़ा एरिया उसका कवर कर लिया है। तो कुछ खबरें हैं जो आज हमारे बीच में न्यूज में बनी हुई थी, आज उन्हीं को क्या करेंगे, हमने अभी तक जो समझा है उसी के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। तो आएंगे हम टॉपिक पर, आगे हम बताएंगे कैसे हमें इस टॉपिक को डील करना है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आज पहली बार मुझसे जुड़े और आपकी जिज्ञासा मेरे विषय में जानने की हो सकती है कि हम किससे पढ़ रहे हैं हम जाने। तो मेरा नाम सुनील वर्मा है, मैं पिछले 8 वर्षों से मुखर्जी नगर दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का फैकल्टी रहा हूँ। अब अनएकेडमी के माध्यम से अपनी सेवाएं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो आप मुझसे जुड़कर मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड का है, तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, यह मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सुनील वर्मा अनएकेडमी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जब इसको क्या करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्लास की सूचनाएं पीडीएफ नोट्स सब प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो पूरा सेगमेंट है आप इंडियन ज्योग्राफी का, ये सब आपकी इसकी पूरा पीडीएफ डाला जा चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा नोट्स यहाँ पर डाला जा चुका है और जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है इसको भी यहाँ पर डाला जा रहा है, जितने भी टॉपिक हो रहे हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सभी प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, किस लिए, कोर्स लेने के लिए। जब भी आपको अनएकेडमी का कोई कोर्स लेना हो तो यहाँ पर आप पर्सनल मैसेज डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर हमें अनएकेडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसके फीचर्स आपके सामने हैं, रिजल्ट आपके सामने हैं। ठीक है, अब क्या हो चुका है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2022 प्रारंभ हो चुका है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ हो गई है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। जब भी आप अनएकेडमी का कोई कोर्स लेंगे छोटा या बड़ा, आपसे क्या किया जाएगा, एक कोड पूछा जाएगा जो कि क्या होता है, एजुकेटर कोड होता है। तो आप क्या कीजिए, इस कोड को यूज कीजिए, यह कोड है SUNILB सुनील भी, आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें भी यही कोड आपको यूज करना है। जब आप कोर्स लेंगे जैसे कि आइकॉनिक कोर्स या प्लस कोर्स, उसमें भी आपसे पूछा जाएगा, और अगर नहीं पूछा जाता है तो भी आप कहिए कि आपको क्या करना है, इस कोड को यूज करना है जिससे कम आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, बाकी जितने ऑफर समय समय पर आते रहते हैं वह मिल जाए, और सबसे बड़ी बात है आपको मेरा गाइडेंस मिल जाएगा। मेरा गाइडेंस आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहां पर प्लस और आइकॉनिक कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब यह होता है कि आप जीएस और प्लस ऑप्शनल दोनों को एक साथ जब लेते हैं, तो इसकी फी डिटेल यहां पर दी गई है। आपको पूरा फी यह पे नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो पूरी फी के नीचे लिखा हुआ अप्लाई कोड, यहां पर आप इस कोड को यूज कीजिएगा, कोड वही है मेरा SUNILB। इससे क्या होगा, फीस कम हो जाएगी, ऑफर सभी जुड़ जाएंगे इसके साथ, आपके कोर्स के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या हो जाएगा, मेरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहां पर भी प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा आपको पूरा फी पे नहीं करना है, आप जब कोर्स लें इस कोड का जरूरी आपको याद रखना है, इस कोड को यूज करना है। आप वैकल्पिक विषय के लिए भी सेम इस कोड से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोर्स आपको ईएमआई पर लेना है तो आप ईएमआई के माध्यम से भी कोर्स क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा आज का जो हमारा यह सेशन है इसमें हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक को, करंट के टॉपिक को इंडियन ज्योग्राफी से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जोड़ने का क्या प्रयास करेंगे, जुड़ा हुआ टॉपिक है।
मुझे आज मिनरल्स पर बात करना था, जैसे कि मिनरल्स पर हमने बात ऑलरेडी कर ही लिया है, लेकिन यह जो टॉपिक है मेरे सामने आ रहे थे बार बार, और मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपकी समझ चेक करूं, आपकी समझ चेक किया जाए कि आखिर आप टॉपिक को इंटरलिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो असम में बाढ़ ने ली इतनी जाने, यहाँ पर इतने लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं असम बाढ़। उसके बाद एक और देखेंगे, एक खबर बार बार आपको दिखाई देगी, वह है भूस्खलन की, ठीक है। तो एक तरफ हमारा देश का एक बड़ा हिस्सा, हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा वह क्या है, बाढ़ की चपेट में है, ठीक है, फ्लड के चपेट में है, उससे प्रभावित है। दूसरा जो हमारा एरिया है वह आपको दिखाई देगा, वह लैंडस्लाइड से जूझ रहा है, लैंडस्लाइड जिसको हिंदी में बोला जाता है भूस्खलन, उससे जूझ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और न्यूज मैं आपको दिखा दूं, एक सेकेंड दीजिए। अच्छा, यहां पर लगा नहीं पाए हैं न्यूज अभी। अगर आप कुछ न्यूज देखेंगे तो भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है, अर्थात भारत इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक हिस्सा हमारा बाढ़ से प्रभावित है, वहीं दूसरा हिस्सा अधिक गर्मी से प्रभावित है, ठीक है, अधिक गर्मी से प्रभावित है। तीसरा हिस्सा भूस्खलन की समस्या से जूझ रहा है, और वहीं कुछ हिस्सों में अभी यह कहा गया है कि आने वाले समय में गर्मी क्या हो गई, और बढ़ सकती है, और गर्मी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और आपने एक न्यूज और सुना होगा, वो यह है कि इस साल जो मानसून है वह क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये जब हम शब्द यूज करते हैं मानसून क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ये अपने आप में जितने सुनने में अच्छा लगता है उसके साथ साथ कई दिक्कतें भी ये लेकर आता है। जैसे मानसून अच्छा होने का मतलब अधिक वर्षा, और आप देख सकते हैं कि अधिक वर्षा की वजह से कैसी कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर फ्लड की कंडीशन को आप देख सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को इंटरलिंक करना है, इन्हीं टॉपिक्स को हमें क्या करना है, इंटरलिंक करना है। तो क्या मैं आज आपके नॉलेज को चेक करूं, क्या मैं मुझे आप अपने नॉलेज को यूज करने की परमिशन देंगे, क्या हमें यह जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक हमारे सामने हैं, जो टॉपिक हमारे सामने हैं, क्या इसको यूज करने का हम प्रयास करें, ठीक है। चले एक एक करके हम टॉपिक को देखेंगे। हम इस समय भारत लैंडस्लाइड का सामना क्यों कर रहा है इसको देखेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, घबराइए मत, फैक्ट की भरमार मुझसे कभी नहीं हो पाता, मैं कभी भी फैक्ट लाकर ऐसे फेंक कर मैं नहीं मार पाता हूं, तो फैक्ट नहीं दूंगा मैं आपको, यहां पर कॉन्सेप्ट सिर्फ बताऊंगा। और कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है ताकि आप जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसको इंटरलिंक कर पाए। अगर हमारे पास ज्योग्राफी का कितना भी नॉलेज हो, हम उसको करंट अफेयर से अगर उसको इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम उसको नहीं डील कर पा रहे हैं। इसलिए आज हम क्या करेंगे, आपकी ज्योग्राफी की जानकारी को थोड़ा सा यूज करेंगे, राइट, क्लियर है। आप लोगों की संख्या काफी कम है बच्चों, मुझे तो लगा कम से कम इतना अच्छा टॉपिक है ना, कम से कम 200 लोग होंगे। चलो, सेशन को अगर शेयर करना चाहें तो आपकी इच्छा है, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम लेते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक को लेते हैं। हमारा कुछ हिस्सा इस समय गर्मी का सामना कर रहा है, कुछ हिस्सा हमारा फ्लड का सामना कर रहा है, तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, देखिए पहला जो टॉपिक है वह है असम का बाढ़, ठीक है, तो असम की बाढ़ की घटना को समझेंगे। दूसरा, राजस्थान में गर्मी का रौद्र रूप, कई जगहों पर 50 डिग्री, ये आज का टेम्परेचर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आज का टेम्परेचर नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक ही साथ दो चीजें कैसे घटित हो सकती है, एक ही साथ बाढ़ और एक ही साथ कैसे इतनी गर्मी घटित हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मानसून अपडेट आया है 2022, इसको देखेंगे। इस मानसून सीजन भारत में ज्यादा बारिश होने की संभावना, ये जो ज्यादा शब्द है काफी खतरनाक है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक और
अपडेट है, इस साल झमाझम होगी बारिश, देश के ज्यादा हिस्सों में सामान्य रहेगा मॉनसून। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं दो शब्द है, एक जगह लिखा है ज्यादा मॉनसून आएगा, अच्छा मॉनसून आएगा, एक जगह सामान्य लिखा है, लेकिन मॉनसून क्या है, ज्यादा है, इफेक्टिव है, तो समझेंगे कि आखिर ये पूरा खेल है क्या। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चल अब आप देखिए, यह हमारा देश है ना, यह हमारा देश इंडिया, और इंडिया का अगर हम दक्षिण की ओर से एक रेखा खींच दें, यहां दक्षिण की ओर से काफी नीचे की ओर से एक रेखा खींच दें, तो यह जो रेखा होगी यह होगी जीरो डिग्री रेखा, यह होगी जीरो डिग्री रेखा। इस जीरो डिग्री रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, राइट, विषुवत रेखा। और हमारा यह जो भाग है 8 degrees 4 minutes, ठीक है, ये सबसे दक्षिण वाला जो भाग है 8 degrees 4 minutes नॉर्थ है ना अक्षांश, अर्थात 8 degrees 4 minutes उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण वाला भाग है। यहां से हम जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं, हम दरअसल इक्वेटर से, जब आप क्या करेंगे ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, तो हम क्या आ रहे हैं, विषुवत रेखा से दूर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, सभी टॉपिक जुड़े हुए हैं, सभी टॉपिक जुड़े हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विषुवत रेखा से हम दूर आ रहे हैं, कहां से, अगर हम इस डायरेक्शन से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो विषुवत रेखा से जब हम दूर ऊपर की ओर आ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, गर्मी का प्रभाव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, गर्मी का प्रभाव कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वह कहां पड़ती है, इस क्षेत्र में पड़ती है। कारण इसके पीछे ये है, इसको एक बार मुझे साफ करने दीजिए। आपको पता है कि जो जून का समय होता है, जो एक सेकंड क्या हो, एक सेकंड की, ठीक है हाँ, जो जून का समय होता है, जून के समय तक सूर्य की जो किरणें हैं, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें वो कहाँ हो जाती हैं, आपके यहाँ पर, एक सेकंड, यह जो ऐसे यह कर्क रेखा है, ठीक है, यह सूर्य की जो किरणें हैं वह कहां पर आ जाती हैं, कर्क रेखा पर, वह कहां होती हैं, कर्क रेखा पर। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा मतलब 23.5 degrees रेखा, ठीक है, 23.5 degrees रेखा, मैंने ऐसे ही खींच दिया है, तो आप राज्यों को मैच मत कीजिएगा, एक रेखा मुझे दिखानी थी इसलिए। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य की किरणें जब यहां पर क्या है, लंबवत है, सूर्य की किरणें यहां पर क्या हो गई, लंबवत हो गई। लंबवत होने का मतलब है कि जैसे आप टॉर्च जलाते हो, तो जहां पर उसका फोकस बनेगा वहां पर क्या होगा, प्रकाश ज्यादा होगा। जहां पर फोकस से जैसे जैसे दूर आप हटोगे, देखोगे आपको अंधेरा दिखाई देगा। तो यहां पर क्या है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही है। सूर्य की किरणें जहां पर भी क्या होती है, लंबवत होती है, वहां पर क्या होगा, दिन की अवधि क्या होगी, ज्यादा होगी। दिन की अवधि अर्थात प्रकाश का जो समय काल होगा, ज्यादा होगा। और सूर्य की किरणें जब लंबवत हैं, इसका मतलब क्या है, पूरी किरणें यहां तक पहुंच रही हैं। सूर्य की किरणें जब ज्यादा लंबे समय तक आएंगी, तो इन्हीं किरणों में क्या है, यह किरणें जो आती हैं इन्हीं में क्या है, प्रकाश है, इसी में क्या है, प्रकाश है, और इसी में क्या है, ऊष्मा है। अब आप देखिए, जैसे सुबह सुबह क्या होता है, जब आप जैसे जैसे देखेंगे क्या होता है कि सूर्य की किरणें आने लगती हैं सूर्योदय के बाद, वैसे वैसे क्या होता है, ऊष्मा बढ़ने लगती है। तो इन्हीं किरणों में क्या है, प्रकाश और ऊष्मा है। तो इस समय तक, जून के समय तक सूर्य की किरणें यहां पर हैं, और इसके वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर एक शब्द होता है तापीय विषुवत रेखा। ध्यान दीजिएगा, तापीय विषुवत रेखा। मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर उससे देखेंगे, सभी टॉपिक अपने आप इंटरलिंक हो जाएंगे। तो एक शब्द होता है तापीय विषुवत रेखा। तापीय विषुवत रेखा का मतलब वह एरिया जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो तापीय विषुवत रेखा क्या होता है, मूव करता रहता है। सूर्य की किरणें जहां पर लंबवत होंगी, वहीं पर तापीय विषुवत रेखा क्या होगा, वह लंबवत होगा। जैसे 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत होती हैं कर्क रेखा पर, और उससे पहले यहां पर लंबवत होती होंगी है ना, हाँ, उसके बाद यहां पर लंबवत होंगी, फिर फाइनली यहां पर आती होंगी। तो ये जो सूर्य की किरणें जहां जहां लंबवत होती हैं, उसी को बोला जाता है तापीय विषुवत रेखा। तो अगर इस समय
देखेंगे तो तापी विषुवत रेखा कहां पर दिखाई देगी, यहां पर दिखाई देगी। अब इसके वजह से क्या होता है, यहां पर जो गर्मी है काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन गर्मी भी सबसे ज्यादा कहां होगा, वह होगा यह मरुस्थल वाले क्षेत्र में। अब है क्या, यह जो मरुस्थल वाला है यह क्षेत्र कौन सा है, आपका मरुस्थल। और मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, वह गर्मी में क्या हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। और क्या होगा, जब यह अधिक गर्म हो जाएगा तो तापमान यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यहां पर, आप यह जो एरिया देख रहे हैं यहां पर भी इस समय गर्मी क्या होगी, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कारण क्या है, यहां पर स्थलीय प्रभाव ज्यादा है। आप कहेंगे कि सर यहां पर गर्मी ज्यादा है, इधर गर्मी क्यों नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मुझे मिटाने दीजिए। आप ये कह सकते हैं सर यहां पर गर्मी क्यों नहीं हो सकती ज्यादा, यहां पर इसके पीछे का कारण है ओशन का प्रभाव। ओशन का प्रभाव, जहां पर ओशन का प्रभाव होगा वहां पर गर्मी क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहां पर कोई ओशन का प्रभाव नहीं है, यहां पर क्या है, स्थल का प्रभाव है। और स्थल का प्रभाव जहां पर, ध्यान दीजिएगा, स्थल का प्रभाव, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं इसको हमेशा याद रखिएगा, जहां पर स्थल का प्रभाव क्या होगा, जितना ज्यादा होगा वहां पर गर्मी का प्रभाव क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा या उतना ही कम। अगर ठंडा एरिया है तो वहां पर ठंडी ज्यादा होगी, जैसे लद्दाख वाला क्षेत्र ठंडा एरिया है और समुद्र से भी दूर है तो खूब ठंडी पड़ेगी। लेकिन कोई स्थान जो गर्म क्षेत्र में है और उस पर अगर स्थल का प्रभाव है तो क्या होगा, गर्म होगा। तो यह जो क्षेत्र देख रहे हैं यह क्या है, आपको यहां पर कर्क रेखा के पास देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही। अब होता क्या है कि जब इस पूरे एरिया में, ध्यान दीजिए, इस पूरे एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। मैं मॉनसून नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं मॉनसून नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं इस टॉपिक को, जो आज हमने 3-4 टॉपिक लिए हैं, इसको इंटरलिंक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर एक सेकेंड, ये देखिए यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहां पर ही नहीं, ये पूरा इधर की ओर ये पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब देखिए क्या होता है, मान लो यह एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया पर स्वाभाविक हवा तो होगी, वायु होगी, है ना। अब देखिए यह कोई एरिया है, यहां पर क्या है, इतनी वायु है, ठीक है, यह क्या है, वायु। वायु अब कोई भी हो, वायु होती है तो उसमें वजन तो होगा, गैस है, वायु भी क्या है, गैस है, उसमें वजन होगा। तो अब ये जो वायु है इसका क्या है, इस सरफेस पर, ये जो सरफेस, इस पर दबाव पड़ता है। जैसे आप गैस सिलेंडर उठाकर अपने सर पर रख लोगे, हाथ पर रख लोगे, तो उसका दबाव पड़ेगा ना, ठीक इसी तरह से यहां पर भी क्या होता है आप देखेंगे, तो ये जो वायु है इसका दबाव इस सरफेस पर पड़ता है। लेकिन क्या होगा कि अब आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है, यहां पर क्या कर दो, सूर्य की किरणों को ऐसे डालो, तो सूर्य की किरणों को जब यहां पर डालोगे तो यहां की जो वायु है वह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जो गर्म वायु होती है वह हल्की होकर ऊपर उठती है, वह क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और आपको जो हल्की चीज होती है वह ऊपर उठ जाती है, वह क्या होती है, आपने देखा होगा आपके घर में क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है ना, और एग्जॉस्ट फैन कहां लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है, जिससे क्या हो, गर्म हवा बाहर निकल जाए। तो यहां पर क्या हो जाता है, अब देखिए यहां के, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा, यहां की हवा गर्म हुई, गर्म होकर हल्की हुई, हल्की होकर हवा ऊपर उठ गई, तो जितनी हवा थी उसका एक हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो यहां पर वायु की मात्रा अब क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में, वायु की मात्रा पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वायु की मात्रा पहले की तुलना में जब कम हो जाएगी तो इस वायु के द्वारा लगने वाला दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु के द्वारा लगने वाला दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम वायु दाब को ही क्या बोलते हैं, लो प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां के सरफेस गर्म हुआ, सरफेस गर्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए यह जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर से
क्या होता है, हमारी कुछ हवाएं आती हैं, समुद्री हवाएं, वह क्या होती है, यहां से टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाती, अर्थात ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है इससे टकराकर मॉनसून हवाएं दो डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। एक शाखा यह आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से समानांतर होते हुए ऐसे, और एक शाखा पहले इधर की ओर जाती है फिर इधर आती है। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो मॉनसून हवाएं हैं वह क्या करती है, ऐसे आगे बढ़ती हैं और यहां से टकराकर फिर क्या करती हैं, ऐसे आगे बढ़ती हैं। दूसरी जो मॉनसून शाखा है वह क्या करती है, इस रूप में आगे बढ़ती है। तो अब देखिए यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर क्या है, लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवा आ रही, हाई प्रेशर कहां पर है, इक्वेटर के दक्षिण में। अब वहां से जो हवाएं आती हैं, यह हवाएं कहां से आ रही हैं, समुद्र से होकर आ रहे हैं, ठीक है। हवाएं कहां से आ रही हैं, समुद्र से होकर। अब खुद समझिए, कोई हवा समुद्र से जब प्रवाहित होगी, समुद्र के ऊपर से जब चलेगी तो उसमें क्या होगा, नमी आ जाएगी, वो बाष्पीकरण करेगी, और जब बाष्पीकरण करेगी तो क्या करेगी, उस बाष्पीकरण को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। ये जो हवाएं हैं जब आगे बढ़ती हैं तो यहां पर आकर क्या करती हैं, यहां पर यह जो आपका असम का घाटी क्षेत्र है वहां पर हवाएं फंस जाती हैं। आपको पता है यहां पर क्या है, हमारा हिमालय पर्वत, और ये जो हिमालय पर्वत है ये अवरोध का काम करता है, अवरोध का काम करने के कारण हवाएं इससे टकराती हैं और यहीं पर खूब वर्षा करती है। और चूंकि यहां पर हमेशा यहां पर जो हवा आती है उसमें नमी क्या रहती है ज्यादा रहती है। नमी ज्यादा रहने का मतलब ज्यादा वर्षा करना, तो यहां पर असम में हर साल आपको बाढ़ देखने को मिलता है। लेकिन अब यह जो एरिया है यह क्या रह जाता है, यहां पर आपको पता अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के ये पश्चिम वाला जो भाग है, यह वाला जो भाग है, यहां पर क्या होता है, मॉनसून की हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। जब मॉनसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं यह एरिया क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। तो एक समय यहां पर क्या होगा, आपको बाढ़ की घटना देखने को मिलेगी, यहां पर क्या होगा, एक समय आपको बाढ़ की घटना, उसी समय यहां पर आपको शुष्कता देखने को मिलेगा, यहां पर क्या होगा, खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही होगी। जैसे असम में जो बाढ़ आई है वो आज से नहीं आई है, लगभग एक माह से वहां पर बाढ़ की कंडीशन है। और इसी एक माह में अगर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को देखेंगे तो वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। टेम्परेचर क्या हो चुका है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत का जो लोकेशन है, लोकेशन मतलब इक्वेटर से पास, और इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है, उसके कारण एक समय में दो घटनाएं हो रही, एक तरफ खूब झमाझम बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि बाढ़ आ जा रही है, और दूसरे तरफ क्या रह रहा है, शुष्कता। तो अगर आपसे यूपीएससी में यही प्रश्न पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज और, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा साफ करने दीजिए, यहां पर देखिए मैं एक ऐसे रेखा खींचू, सीधा रेखा खींचू, तो देखिए एक ही अक्षांश पर स्थित है असम और एक ही अक्षांश पर स्थित है आपका राजस्थान। इन दोनों को देखेंगे तो इस एक ही अक्षांश पर एक समय क्या हो रही है, यहां पर आपको भारी वर्षा देखने को मिल रहा है, भारी वर्षा, और साथ ही साथ यहां पर आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, शुष्कता मिलेगी, और इन एरियाज में आपको सूखे की संभावना भी दिखाई देगी। सूखे की संभावना, यहां पर सूखे की संभावना तब तक बनी रहती है जब तक कि मॉनसून पहुंच ना जाए। मॉनसून यहां तक, यह जो दिल्ली वाला क्षेत्र है यहां पर पहुंचता है 15 जुलाई तक, यहां पर क्या होता है, मॉनसून पहुंचता है 15 जुलाई तक, उससे पहले यहां पर सूखे की संभावना बनी रहती है। आपको पता है कि जो मॉनसून है यह क्या करता है, दो डायरेक्शन से आगे बढ़ता है। और यहां पर मॉनसून पहले 1 जून को आ जाता है, ठीक है, केरला वाले क्षेत्र में 1 जून को आ जाता है, यहां तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा समय लगता है, और जब तक पहुंचते तब तक यहां पर सूखा है, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है, और यहां पर क्या हो रहा है, बाढ़ की कंडीशन है। अर्थात भारत की जो लोकेशन है और इसमें जो प्रवाहित होने वाली पौने हैं, यहां पर चलने वाली जो पौने हैं, इनकी विशेषताएं ऐसी हैं जिसके कारण हमारे कुछ एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, कुछ एरिया में क्या आएगी, वर्षा आएगी। अब देखिए वर्षा कहां होगी, जहां पर
नमी युक्त पौने क्या होंगे? नमी युक्त जो पौने हैं वह लंबे समय तक रुकेंगे, लंबे समय तक क्या रहेंगी, वह टिकी रहेंगे। वहां पर क्या होगा? वर्षा ज्यादा होगा। और यही कंडीशन कहां पर होती है? यह आपके असम वाले क्षेत्र में हर साल होती है। वहीं जहां पर यह मानसून की हवाएं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, हवाएं नहीं पहुंचेंगी, वहां पर क्या होगा? सूखा होगा। और जहां पर यह मानसून की हवाएं कभी नहीं पहुंचती हैं वहां पर, और साथ ही साथ जहां पर स्थलीय प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा। स्थलीय प्रभाव वाले क्षेत्र में जो हवाएं होती हैं वह क्या होती हैं? गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। और ये गर्म और शुष्क हवाओं का जो क्षेत्र है, यहाँ के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। अब इसके साथ एक और घटना हो रही है। अब देखिए क्या होता है मानसून के समय, यहां पर देखेंगे यह जो क्षेत्र है यहां पर, तो मानसून के समय यह जो हमारा हिमालय क्षेत्र है यहां पर क्या होता है? भूस्खलन की क्रिया भी ज्यादा होती है। क्यों भूस्खलन की क्रिया होती है? तो देखिए भूस्खलन का मतलब होता है जो है कि पर्वत के किसी भाग का कटकर टूटकर नीचे की ओर गिरना। तो होता क्या है, जब मानसून का समय आता है तो इसमें क्या होगा? वर्षा ज्यादा होगी। और जब वर्षा ज्यादा होती है तो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वत है इसकी चट्टाने क्या हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं। और कमजोर चट्टाने क्या है? ढाल है। इनका ढाल भी क्या है? ज्यादा है। तो इसकी वजह से चट्टानों के टूटने की जो संभावना है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी के कारण मैंने जो आपको अभी दिखाया था, यहां पर देखिए आप देख रहे होंगे तो भूस्खलन की फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अर्थात एक ही समय भारत में कई तरह की चीजें हो रही हैं। यहां वाला एरिया क्या कर रहा है? यहां पर बाढ़ है। बाढ़ क्यों है? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी अवसाद लेकर आ रही है, बहुत सारा उसमें पानी है और वह पानी निकल नहीं पा रहा है। तो क्या कर रहा है? अब बच्चों माफी चाहता हूं बच्चों खांसी के लिए, थोड़ा सा एसी को बंद करने दीजिए। माफी चाहता हूं बच्चों। यहां तक जो बताया हमने समझा कि नहीं आपने? यहां तक जो हमने बताया वो समझे कि नहीं आप लोग? ठीक है, अब देखिए तो हमने कहा यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह क्या है? असम के घाटी से प्रवाहित हो रही है। असम की घाटी की अपनी चौड़ाई है। ब्रह्मपुत्रा नदी ढेर सारा अवसाद लेकर हर साल आ रही है। इस अवसाद से जो घाटी की गहराई है वह कम होती जा रही है, और घाटी की गहराई कम होने के कारण यहां पर जो फ्लड है वह चारों तरफ से प्रवाहित हो रहा है। अब खुद समझिए, आपने देखा होगा कि आपके घर के पास एक नाली रहती है, उसमें अगर मिट्टी डाल दें तो उसकी क्या हो जाएगी? वह छिछली हो जाएगी, गहराई कम हो जाएगी। और फिर बारिश अगर ज्यादा हो, तो पानी क्या होगा? वह नाली से बाहर जाएगा। ठीक है, यहां पर भी मानसून में क्या हो रहा है? एक तो यहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है, दूसरा गर्मी की वजह से यहां पर ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं, उनका भी पानी इसमें आता है। और यह जो नदियां आ रही हैं ये ढेर सारा मिट्टी अवसाद लेकर आती हैं, तो उसको भी बिछा रही हैं। इसके वजह से यहां पर हर साल क्या हो रहा है? बाढ़ की घटना देखने को मिल रही है। और आपको यह भी पता है कि जब लैंडस्लाइड होता है, जब भूस्खलन होता है, तो भूस्खलन से क्या होता है? बहुत सा जो मलवा है वह क्या होता है? नदियों के घाटियों में आ जाता है, नदियों के रास्ते में आ जाता है। और नदियों के घाटी है नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वह क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। मान लो
एक नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब यहां पर क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया, यहां पर क्या हुआ, ढेर सारा अवसाद गिर गया, तो यहां पर नदी का मार्ग क्या हो रहा है, अवरोध हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, नदी के पानी अपनी घाटी से क्या होगा, बाहर की ओर बहने लगेगा, और इसके वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड और फ्लड दोनों मिक्स करके यहां पर क्या करते हैं, आपदा की कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आपदा की कंडीशन क्रिएट कर, कुल मिलाकर अगर हम समझें तो भारत एक समय कई तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस कर रहा होता है। वहीं अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में कई जगह आपको गर्मी देखने को मिलेगी, और इस समय वहां पर भी अब आने वाले समय में आपको सुनने को मिलेगा केरला में भी फ्लड आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया इस बार क्या है, मॉनसून क्या है, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो आने वाले समय में केरला में भी हमें बाढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, ये है असम का बाढ़। तो असम के बाढ़ पर हमने पहले भी बात कर लिया है, आप देख सकते हैं कई लोगों की जान जा चुकी है, है ना, 42 लाख से ज्यादा लोग क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। तो असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। यहां पर आइए, पहले यहां पर देखिए, ये देखिए हमारा असम वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और आपको पता है यहां से क्या होती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवेश करती है और फिर यह इधर की ओर आगे बढ़ती, ठीक है। अब देखिए ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, आप देखेंगे तो ये रही ब्रह्मपुत्र, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से, ये आपके असम घाटी से होकर प्रवाहित हो रही है। आप देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से निकलती है, आपको हमने रिवर सिस्टम में बताया था, तिब्बत के पठार से निकल रही, इसमें नदियां काफी ज्यादा मिलती हैं, जल ज्यादा आता है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जब यह इधर से आ रही है, तो बहुत सारा क्या करती है, अवसाद लेकर आती है, और यह जो अवसाद है इतना ज्यादा होता है कि जो ब्रह्मपुत्रा की नदी घाटी है इसी में अवसाद को हमेशा भरा जाता रहता है। इससे क्या होता है, इसकी घाटी आपकी क्या हो जाती है, छिछली हो जाती है। यहां पर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी और यह ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे दिख रहे हैं, और यह जो पूरा भाग है, इसमें ढेर सारा अवसाद हर साल लाया जाता है। ठीक है, तो हमने जैसे कि इस समय देखा असम इस समय बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी आपदा का सामना कर रहा है, अर्थात असम के कुछ एरिया में क्या आया हुआ है, वहां पर भूस्खलन की घटना हो रही है, और भूस्खलन बाढ़ को बढ़ावा दे रहा है, और साथ ही साथ बाढ़ की वजह से भी भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि बाढ़ क्या है, नीचे से चट्टानों को काट रहा है तो ऊपर की चट्टाने गिर रही है, और इसकी वजह से यहां पर आपने देखा, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये पुराना डेटा है, यहां पर जो है कि क्या है, 42 लाख से अधिक लोग क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, और जो प्रभावित हो चुके लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए इस बार की जो बाढ़ है वह घातक क्यों है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार की जो बाढ़ है वह लगभग एक माह से कंटिन्यूअस असम को क्या है, प्रभावित किए हुए है। ठीक है, तो इस बार जो बाढ़ आई है वह मुख्य नदी में ही नहीं बल्कि सहायक नदियों में भी देखा जा रहा है, अर्थात पहले जो बाढ़ आती थी वह सिर्फ ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड होती थी, और वह भी 10 से 15 दिन बाद उसका पानी कम हो जाता था क्योंकि वर्षा रुक जाती थी। इस बार क्या हो रहा है, वर्षा ज्यादा इफेक्टिव है, और ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण वहां पर पानी वर्षा ज्यादा हो रहा है और नदी में पानी भी ज्यादा है, और मुख्य नदी के साथ साथ जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक हैं उनमें भी पानी ज्यादा है। इसी के कारण अब सभी मुख्य नदी का पानी और सहायक नदियों का पानी असम में क्या किया है, बाढ़ का कारण वह बन चुका है, और यहां पर बारिश की आवृत्ति और मात्रा दोनों काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आवृत्ति का मतलब है कि पहले 3-4 दिन वर्षा होता था, उसके बाद वर्षा बंद हो जाती थी, तो बाढ़ की जो संभावना है या बाढ़ का जो खतरा है थोड़ा सा टल जाता था। अभी क्या हो रहा है कि भैया यहां तो पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, वर्षा रुक ही नहीं रही, बहुत बड़े क्षेत्र में यहां पर क्या हो चुका है, जल स्तर अब एकदम ऊपर आ चुका है। आप खुद समझिए, एक मिट्टी की क्या है, एक कैपेसिटी होती है ना पानी सोखने की, क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अब यहां का
यहाँ की जो मिट्टी है वो पानी को जितना सोखना था सोख चुकी है, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं, तो पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है। वर्षा हो रहा है तो वर्षा का पानी क्या कर रहा है, अब सतह पर ऊपर फैल रहा है। बाढ़ उन क्षेत्रों में भी जहां पहले वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता था। तो जैसा कि हमने कहा कि जो ऊंचे क्षेत्र थे, अब ऊंचे क्षेत्रों में भी पानी क्या है, फैल रहा है। इसके वजह से पूरा असम क्या है, इस समय प्रभावित है ना। यहां पर क्या हुआ है, वन क्षेत्रों का कटाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी यहां पर देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहां का मौसम जो है वो अधिक गर्म है, अधिक आर्द्र है, अधिक गर्म है और अधिक आर्द्र है, और उसके कारण है ना, उसके कारण वहां पर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। राज्य द्वारा नदी प्रबंधन समय से नहीं किया गया, इसके वजह से यहां पर क्या हुई, बाढ़ आई। प्रश्न आएगा कि यहां पर बाढ़ हर साल क्यों आती है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि असम की घाटी के दोनों ओर आप देखेंगे तो ऊंची स्थलाकृतियां हैं। एक तरफ आपका हिमालय पर्वत है और दूसरी तरफ आपका मेघालय का पठार है, और इन दो ऊंचे भागों के बीच नमी वाली वायु है वह क्या हो जाती है, फंस जाती है। और नमी वाली जब वायु फंस जाएगी तो उसको तो क्या करना होगा, वह वर्षा करेगी ही, तो वहां पर क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के समीप में, बंगाल की खाड़ी के समीप में होने के कारण वहां की हवाओं को हमेशा नमी मिलती रहती है। जैसे अगर यह स्थान बंगाल की खाड़ी के समीप नहीं होता तो यहां पर जब हवाएं पहुंचती तो वह शुष्क हो जाती, लेकिन यहां पर बंगाल की खाड़ी के समीप ही वह स्थित है, इसके कारण वहां पर हमेशा नमी वाली हवाएं पीछे से जा रही हैं, और नमी वाली हवाएं जाकर वहां पर बीच में फंस जा रही हैं असम की घाटी में, और वहां पर क्या कर रही हैं, वर्षा करवा रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोनों ओर के भाग अर्थात यहां पर लैंडस्लाइड की घटना ज्यादा हो रही है, और लैंडस्लाइड की घटना की वजह से जो नदी का प्रवाह है वह बाधित हो रहा है। नदी क्षेत्र का अतिक्रमण यहां पर असम में काफी ज्यादा किया जा चुका है, तो नदी का जो घाटी पहले चौड़ी हुआ करती थी, हमने अतिक्रमण करके अब उसको क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में मॉनसून की अवधि में प्रतिदिन 2.12 मिलियन टन औसाद, अर्थात इतना औसाद इसमें लाया जाता है जिससे 141,000 ट्रक मिट्टी से भरे जा सकते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी इतना औसाद लेकर आ रही है जिससे 1,00,000 से अधिक आप क्या कर सकते हो, ट्रकों को इसके औसाद से भर सकते हो सिर्फ एक दिन से। तो इस औसाद को कहां किया जा रहा है, बिछाया जा रहा है, बिछाने की वजह से उसकी घाटी क्या हो रही है, वह चौड़ी। हाल के समय में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और अब बरसात की भी मात्रा देखी गई, तो यह जो पूरा बंगाल की खाड़ी का समीपवर्ती क्षेत्र है इसमें आर्द्रता नमी लंबे समय से ज्यादा महसूस की जा रही है, जिसके कारण यहां पर वर्षा थोड़े थोड़े समय पर होती रहती है। इसके कारण इसका जो ग्राउंड वाटर है वह रिचार्ज हो चुका है, जब कहीं पर वर्षा थोड़े दिन के बाद होती है तो ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है, फिर वर्षा होती है पानी नीचे चला जाता है, बाढ़ का कारण नहीं बनता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इनके कारण ये क्या हो रहा है, आपका बाढ़ की कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो हमारा क्षेत्र है यह अधिक गर्मी, यह जो पूरा क्षेत्र है यह क्या है, लैंडस्लाइड, यह जो क्षेत्र है वह बाढ़ का सामना कर रहा है, और यह जो हमारा क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है इसके कुछ एरिया में वर्षा कम हो रही है, यह क्या कर रहा है, शुष्कता का सामना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शुष्कता का सामना कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो मॉनसून हमारे यहां क्या है, अच्छा रहने वाला है। अच्छा रहने का मतलब यह है कि इस बार जो मॉनसून से होने वाली वर्षा है वह क्या होगी, पर्याप्त होगी। आपको पता है कि भारत में औसतन 117 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसतन 117 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यह जो औसतन 117 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह पूरे देश को मिलाकर होती है। यहां पर जो वर्षा है यह आपको पता चलेगा 180 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा देखने को मिलती है, और यहां पर यह देखा जा रहा है एक ही साथ बहुत ज्यादा वर्षा हो चुकी है। तो अब फिर से लौटते हैं उन खबरों पर, एक सेकेंड यहां पर आइए, अब देखिए तो असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसके पीछे का कारण है इक्वेटर के पास समीपता। ध्यान दीजिए, असम
वह क्या है, विषुवत रेखा के करीब है, तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा के करीब है, बंगाल की खाड़ी के समीप में है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता कमी ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा नमी ज्यादा तो वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर औसाद ढेर सारा लाया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, भूस्खलन भी हो रहा है, इसके वजह से बाढ़ आ रहा है और बाकी यहाँ पर नदी का अतिक्रमण भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। वहीं राजस्थान में उसी समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्यों पार कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, अब देखिए जैसे कि हमने कहा यहाँ पर आई, यहां पर देखिए ये रहा हमारा अरावली पर्वत, ये रहा हमारा अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत से इधर से होकर हवाएं निकल जा रही, तो जो हवाएं जहां पर ये जो नमी वाली हवाएं हैं जहां जाएंगे वहीं का तो टेम्परेचर को कम करेंगे। यहां तो पूरा क्या होता है, यहां पर तो मानसून की हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। और वहीं आप देखेंगे तो पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये पूरा जो थार का क्षेत्र है, ये क्या है, गर्म एरिया है। और आपको पता है कि एशिया में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वह कहां, पाकिस्तान के जैकोबाबाद में होता है। तो जैकोबाबाद में टेम्परेचर जब ज्यादा होता है स्वाभाविक है इस क्षेत्र का प्रभाव यहां पर भी पड़ता है, यहां पर भी टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही टॉपिक थे जो आज हमने आप न्यूज से लिए, हमने इन सब चीजों को, आप भी क्या करिएगा, इन टॉपिक को अपने हिसाब से इंटरलिंक करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चले बाकी कल मिलते हैं, कल मिलते हैं 4:30 पर, कल 4:30 पर मिलते हैं। और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम जब 4:30 पर मिलेंगे, असम में हर साल बाढ़ क्यों आती, क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताइए, असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, क्लियर हुआ कि नहीं, एस के सेड असम रेखा, तो असम तो विषुवत रेखा से काफी दूर है। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कैसे, आप देखो अगर आप पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, चलो आपने पूछ लिया मैं बता देता हूं, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, एक सेकेंड, अब देखिए यहां पर एक सज्जन का प्रश्न है कि सर यह तो हमारा ये रहा विषुवत रेखा, तो अब देखो यहां पर क्या है, सागर है, तो सागर का जो तापमान होता है वह एक जैसा ही रहता है, उसमें बहुत अंतर नहीं आता। हम जब इसको कहते हैं असम क्या है, विषुवत रेखा के पास में है, अब यहां से कंपेयर करो इसकी तुलना में, ये देखो असम और यहां पर असम, तो यह क्या है आपके विषुवत रेखा से पास में है और किसके तुलना में, इन स्थानों को। दूसरा, अब यह जो सागर है, यह सागर पूरा विषुवत रेखा का सागर यहां तक जुड़ा हुआ है और टेम्परेचर की गर्मी अर्थात ये जो ओशन है बंगाल की खाड़ी, यहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, यहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा, यहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां पर क्या होता है, सागर में टेम्परेचर विषुवत रेखा टेम्परेचर यहां तक भी वही रहता है, टेम्परेचर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, अर्थात इक्वेटर पर जितना टेम्परेचर रहता है बंगाल की खाड़ी में भी उतना टेम्परेचर, टेम्परेचर जब ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो गर्म सरफेस से जब हवाएं जाएंगे तो उसमें बाष्प क्या होगा, नमी ज्यादा होगा, इसी के कारण यहां पर वर्षा होती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, चले ठीक है, चले कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिनरल्स वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है, मिनरल्स वाला जो टॉपिक हम कर रहे थे उसको करेंगे। ऐसे ही जब इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक आपको न्यूज में मिला करें ना, तो उनको आप स्टैटिक पोर्शन से जोड़ा करो, तब आप समझ पाओगे, स्टैटिक पोर्शन से अगर नहीं जोड़ोगे तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है।